हेलो दोस्तों, मैं ब्रजेश वर्मा आपका स्वागत करता हूं लाइफ इजी चैनल पे। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया कि इंडिया में कोरोना की सेकंड वेव आ चुकी है और अभी रिसेंटली जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो गवर्नमेंट का खुद का डाटा आ रहा है, सबसे ज़्यादा बुरा हाल दिल्ली का है। दिल्ली में मेडिकल इंफ्रा पे इतना लोड आ चुका है कि हॉस्पिटल्स में बेड नहीं है, वेटिंग लिस्ट है। दूसरा, अभी मीडिया रिपोर्ट्स में देखा कि शमशान घाट में अंतिम संस्कार के लिए भी वेटिंग लिस्ट है। तो इससे आप इमेजिन कर सकते हैं कितना बुरा हाल है। डे पर डे मतलब 100 डेथ केस तो आने ही हैं दिल्ली में, मतलब 100 से ज़्यादा लोग दिल्ली में अभी मर रहे हैं। पिछले हफ्ते की अगर आप रिपोर्ट देखेंगे, चाहे आरोग्य सेतु ऐप से देख लें या जो गवर्नमेंट का ऑफिशियल डाटा है वहाँ से देख लें, इससे हम ये इमेजिन कर सकते हैं कि दिल्ली का कितना बुरा हाल है। साथ के साथ सिर्फ दिल्ली का ये हाल नहीं है, एमपी का आप हाल देख लीजिए, गुजरात का आप हाल देखिए, महाराष्ट्र का तो ऑलरेडी बहुत बुरा हाल है, और भी एक दो स्टेट हैं इंडिया के जहाँ पे डे पर डे केस इंक्रीज़ हो रहे हैं। और सबसे टेंशन की बात है कि वहाँ पे डेथ रेशियो बढ़ रहा है, मतलब पर केस डेथ रेशियो काफ़ी ज़्यादा है। अब एमपी ने क्या किया, एमपी ने प्रिकॉशनरी मेज़र के तरीके से दो जगह नाइट कर्फ्यू लगा दिया, ग्वालियर है, इंदौर है, अहमदाबाद में, गुजरात अहमदाबाद में ऑलरेडी नाइट कर्फ्यू चल रहा है। दिल्ली में दिल्ली गवर्नमेंट मास्क न लगाने का चलान बढ़ा रही है, 500 से 2000 कर रही है, लोगों को फाइनेंशियल बर्डन दे रही है कि 500 की जगह 2000 हो जाएगा तो आप मास्क लगाइए। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो लोग खुद अपनी सुरक्षा चाहते हैं और दूसरों की सुरक्षा चाहते हैं मास्क खुद लगाएंगे, उनको फाइनेंशियल बर्डन दिखा के उनकी जेब पर बर्डन डाल के कोई फायदा नहीं है। और दिल्ली गवर्नमेंट ने ये जो डिसीजन लिया कि भाई 500 का चलान 2000 का हो जाए, इससे दिल्ली गवर्नमेंट का काफ़ी क्रिटिसिज्म हो रहा है। उससे बचने के लिए केजरीवाल ने अपने कार्यकर्ताओं से और अपने पार्टी मेंबर्स को बोला कि भाई आप फ्री में मास्क डिस्ट्रीब्यूशन करिए, चलिए इसको हम एक अच्छा स्टेप मान सकते हैं। दूसरा, जब ये सेकेंड वेव की लहर एकदम से उठी है, इस चीज़ को देखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट भी काफ़ी एक्टिव हो गई है, वो एक एक्शन मोड में आ गई है, उन्होंने एक्सेलेटर पर पाँव रख दिया है और चीज़ों को खुद कंट्रोल करना चाहती है। हर स्टेट की गवर्नमेंट से कोऑर्डिनेशन रख रही है, हर स्टेट में अपनी टीम भेजी जा रही है सेंटर से। दूसरा, अमित शाह और हर्षवर्धन खुद डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं। साथ के साथ अभी रिसेंटली प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई, वहाँ पे उन्होंने डिस्कस किया कि ये जो सेकंड वेव है इसको कैसे कंट्रोल किया जाए। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो था वो था कि कोरोना वैक्सीन के ऊपर डिस्कशन हुआ कि कोरोना वैक्सीन कब आएगी, कैसे आएगी, उसका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कैसे होगा, कोल्ड स्टोरेज कैसे होगा, उसको स्टोर कैसे किया जाएगा। जो वैक्सीन होती है इसको हमें बहुत कम टेम्परेचर पे स्टोर करना होता है, -10 डिग्री से लेकर के उससे भी कम टेम्परेचर पे हमें इसको स्टोर करना होता है। दूसरा, इस मीटिंग में ये भी डिस्कशन हुआ कि भाई ये वैक्सीन आने के बाद सबसे पहले किसको दी जाएगी। अभी हर्षवर्धन जी का रिसेंटली एक इंटरव्यू आया जिसमें उन्होंने बोला कि जो हमारी भारतीय 3 कंपनियां जो कोरोना वैक्सीन पे काम कर रही हैं, चाहे भारत बायोटेक हो, चाहे कैडिला जाइडस हो या सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया हो, इनकी वैक्सीन जहाँ तक है वो जनवरी एंड या फरवरी स्टार्टिंग में आ जाएगी, उसके बाद इसका प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। और उन्होंने प्रायोरिटी बताई कि सबसे पहले ये वैक्सीन किसको मिलेगी, क्योंकि हमारी कंट्री में आपको पता है पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा है, कितने ज़्यादा लोग हैं, तो हर किसी को एकदम से वैक्सीन देना पॉसिबल नहीं है। तो उन्होंने प्रायोरिटी बताई कि वैक्सीन अगर आती है तो इनिशियली किस किस को दी जाएगी। तो इस पर टॉप प्रायोरिटी जो दी गई है वो हॉस्पिटल के जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो हेल्थ सेक्टर से जुड़े हुए हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं, उनको दी जाएगी, क्योंकि सबसे पहले पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट वही है। अगर कोई मरीज आता है तो सबसे पहले उन्हीं के कॉन्टैक्ट में आता है और इन्फेक्टेड होने का सबसे ज़्यादा खतरा इन कोरोना वॉरियर्स को होता है, तो पहली प्रायोरिटी इनको दी गई है। दूसरी प्रायोरिटी जो वैक्सीन के लिए दी गई है वो 65 साल से ज़्यादा लोगों को दी गई है, क्योंकि ये सीनियर सिटीजन लोग हैं, इनका इम्यून सिस्टम ऑलरेडी इतना वीक होता है, तो सेकेंड पोजिशन पर इनको रखा गया प्रायोरिटी की लिस्ट में। तीसरे पोजीशन पर रखा गया है प्रायोरिटी की लिस्ट में 50 साल से लेकर 65 साल के लोगों को, और उसके बाद फिर 50 साल से नीचे के लोग हैं जिनको ऑलरेडी कोई बीमारी है या कोई सीवियर प्रॉब्लम है। तो दोस्तों, ये प्रायोरिटी इसलिए फिक्स की गई है क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ऑलरेडी जो गंभीर बीमारियों से लोग जूझ रहे हैं या जिनकी एज ज़्यादा है या जिनकी हेल्थ ऑलरेडी कमज़ोर है या इम्यून सिस्टम कमज़ोर है, उनको ये वैक्सीन दी जाएगी और प्रायोरिटी पे हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं। और जब तक वैक्सीन नहीं आती है तो देखते हैं गवर्नमेंट इस चीज़ को कैसे कंट्रोल करती है, सेकंड वेव को कंट्रोल करने में गवर्नमेंट क्या क्या स्टेप लेती है, और वैक्सीन आ भी जाती है तो उसको देखते हैं कैसे इंप्लीमेंट करती है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर दबाइए और मास्क जरूर लगाइए, 2 गज की दूरी बनाए रखिए, हाथों को रेगुलर धोते रहिए, सैनिटाइज करते रहिए। थैंक यू।